जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है डीके गोयल सर की बुक से, उसमें कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाइस कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें लिखा हुआ है विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज। मतलब साहब, कल हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 जब पढ़ा था तो हमने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से एक चीज़ पढ़ी थी कि सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेयर कैपिटल्स होती हैं, अल्टीमेटली वो उनके पार्ट्स होते हैं। हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, ये वो है जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज ऑफर टू द पब्लिक, जो कंपनी ऑफर कर सकती है, इन्वाइट कर सकती है, इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, दैट इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल, जो अथॉरिटी है। डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नाम की तो है पर किसी काम की नहीं है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। 40 लाख रुपए की कैपिटल डबल कॉलम में लिख दी जाएगी। किस तरीके से? सबसे पहले उस हेड का नाम लिखेंगे जिसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो मेन हेड होता है गाइस, ठीक है। इसके अंदर पूरी इक्विटीज और पूरे लाइबिलिटीज आएंगे। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, जब मैं धीरे धीरे आपको बैलेंस शीट की तरफ भी ले चलूंगा। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंदर आती है एक चीज, दैट इज शेयर कैपिटल। इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन होती है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का मतलब सारी इक्विटीज और सारी लाइबिलिटीज, मतलब सारे शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, सारी चीजें आती हैं, एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इस तरीके की चीजें आती है। अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज प्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं सर हम आगे की, कि आगे इनके हमें क्या बनाने हैं। हमें बनाने हैं इनके नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब ये जो भी चीज है शेयर कैपिटल में या नोट नंबर 1 लिख देंगे वो, क्योंकि बैलेंस शीट में सारी बातें यहाँ नहीं लिखी जाती हैं, बैलेंस शीट में सारी बातें यहीं नहीं लिखी जाती, नहीं तो बैलेंस शीट भर जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे हम वर्किंग नोट्स बनाया करते हैं ना क्वेश्चंस करते समय, इसी तरीके से यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं कि जो भी चीज़ें हमने ऊपर लिख रखी हैं वो नोटिंग्स में किस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी। कॉलम नंबर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसका मतलब ये है पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बना रहे हम, नहीं तो यहाँ लाइबिलिटीज लिखते, यहाँ एसेट्स लिखते और अमाउंट के कॉलम होते। पर्टिकुलर्स लिख दिया बिकॉज इट इज एन एक्सट्रैक्ट, सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले जो है वो ऑथराइज कैपिटल आएगी यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में। कितने लाख शेयर्स हैं, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो 4 लाख शेयर्स एट द रेट 10, नहीं तो यहां लिख सकते हो उसको। 40 लाख रुपए की ये कैपिटल है जिसका कोई काम नहीं है, अभी डबल लाइन लगाकर छोड़ देंगे हम। इतनी अथॉरिटी है कि हम इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे। इसके बाद मैंने समझाई थी ऑथोराइज का इशूड शेयर कैपिटल, काम की हमारे कैपिटल जो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम में आएगी, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। आउट ऑफ दिस द कंपनी, या वर्ड लिखा होगा या तो इशूड या लिखा होगा इन्वाइटेड एप्लीकेशन, या कंपनी बात कर रही है, मतलब इसी शेयर कैपिटल में से, इसी शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में से कुछ शेयर्स कंपनी अभी इशू कर रही है कुछ, और वो कुछ कितने हैं, दैट इज 3 लाख शेयर्स। तो नेक्स्ट जो कैपिटल आएगी आपकी, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिमाग लगाने वाला बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ 30 लाख रुपीज़। अभी यहाँ से शुरू होगी कहानी कि सर हमने 3 लाख शेयर्स इशू कर दिए, अब पब्लिक की मर्जी है उन्हें 3 लाख खरीदने हैं या 3 लाख से कम खरीदने हैं या 3 लाख से ज़्यादा खरीदने हैं। ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे, मैक्सिमम 3 लाख दे सकते हैं बिकॉज इशूड शेयर कैपिटल इज 30 लाख रुपीज़, 3 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत स्लोली चल रहे हैं क्योंकि ऐसे उसमें कुछ है नहीं दिमाग लगाने लायक। देन पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड द ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पब्लिक ने जो राइट सब्सक्राइब करी है वो कितनी है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी है दोस्त, 2,80,000 शेयर्स। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स, क्योंकि यहां सारे पैसे दे दिए इन्होंने, सारे शेयर्स ने, तो हमारे केस में
जितने भी है 2 लाख का शेयर थे वो कम मांगे, शेयर 3 लाख थे, चाहते हम दे सकते थे 3 लाख, पर सामने से डिमांड ही नहीं आई। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 5 किलो सेम है, पर आपको 2 किलो चाहिए तो 2 किलो ही हो गया, सामने से डिमांड आई है सिर्फ 2,80,000। तो मेन कैपिटल हमारी काम की कौन सी होती है, ये वाली। तो 2,80,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये हमारे काम की है, दैट इज 28 लाख रुपीस। क्लियर है? तो यहाँ शेयर कैपिटल हम लिख देंगे 28 लाख रुपीस करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का कुछ था नहीं, यही आ जाएगा हमारा टोटल क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। ये नोट्स जो अकाउंट है कि 40 लाख रुपए की कैपिटल थी ऑथराइज्ड, हम ऑथराइज्ड अथॉरिटी है हमारे पास 40 लाख, 4 लाख शेयर इशू करने की, बट हम सिर्फ 3 लाख कर रहे हैं अभी क्योंकि हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा पैसों की। उसमें भी गवर्नर पब्लिक जो है वो 2,80,000 करती है क्योंकि सारे शेयर ने सारे पैसे दे रखे हैं। तो हम 2,80,000 एट द रेट 10 ईच सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड मतलब सब्सक्राइब किया उन्होंने एज वेल एज सारे पैसे दे दिए, पूरे के पूरे पैसे दे दिए, तो हमारा नाम हो जाएगा फुल्ली पेड। जब वो नहीं देंगे तो हम उनको फुल्ली पेड नहीं कहेंगे और वहां लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। इस तरीके से हेडिंग्स बनेंगी। बहुत सरल क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के चांसेस है, तो 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा का नहीं आता कभी भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है खास, क्या है बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2, 28 लाख रुपए आ रही है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर। ओके गाइस, नेक्स्ट है सर, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ऑफ बैलेंस शीट, फिर कंपनी का नाम, पूरे मार्क्स लाने अगर आता है तो ये, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक नहीं है, बट जो लोग ज़्यादा बच्चे होशियार होते हैं उनके लिए लगता है क्या फॉर्मेलिटी करा रहे हैं हमसे। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स, वो रुपीज 10 लाख, 1 लाख एट द रेट 10 ईच, 1 लाख एट द रेट 10 ईच। चलो सबसे पहले वही 3 हेडिंग्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज द मेन हेड, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल या लिख देंगे नोट नंबर 1। आगे की कहानी तभी लिखेंगे जब हम क्या बना लेंगे दोस्त, नोट्स टू अकाउंट्स। अगेन सेम कहानी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले कौन सी कैपिटल आएगी, सबसे पहले आएगी आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड के, सर 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। नाम की तो है पर किसी काम की नहीं है जब तक इशूट के बारे में जानकारी ना दे। देन कंपनी इशूट 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर। सर ये प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर क्या है, सर ये प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर क्या है, प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर क्या है ये। सर ये प्रीमियम है मतलब हमने जो 10 रुपए वाला शेयर है, मैं तरफ पेज ले रहा हूं, कल वाले 10 रुपए वाला जो शेयर है उसको 15 का बेचा है और बिक गया है, मतलब सर ये 5 रुपए हैं, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलता है। या शेयर होल्डर फंड में एक और चीज़ आती है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, पता नहीं एग्जाम ने बोला है नहीं बोला है, बट हम यहाँ लिखते रहे, यहाँ रिजर्वेशन सरप्लस का कॉलम बनाना पड़ेगा। अभी एक मिनट देखते हैं आगे क्या कहानी है। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम 5 रुपए से, 10 रुपए वाला शेयर था बट हमने उसको 15 का बेचा। तो भाई ऐसे केस में क्या करते हैं, 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू हो जाती है और 15 रुपए इशू प्राइस, इस तरीके से चलती का। कंपनी इशूड 2 रुपए पर शेयर विद एप्लीकेशन, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है पर आप सिंपल सिंपल से मेरी बात सुनिए, 2 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट है,
₹8 दूसरी इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ये 3+5 ऐसे हो गए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जैसे ही अपलोड होगा आपको समझ आने लगेगा और ज़्यादा। 2+8 ₹10 हो गए सर, 5 अभी कहाँ बचे हैं सर, 5 रुपये बचे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये क्या लिखा है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि हमें चाहिए तो पूरे 15, 2 यहाँ 8 यहाँ 10 और 5 15। सर ये 5 रुपये नहीं है ये वाले, नहीं ये 5 रुपये प्रीमियम के यहीं पर जुड़े हुए हैं ऐसा वो बोल रहा है, नहीं भी बोलेगा तो भी ये सेकंड स्टेज पर ही आएंगे अलॉटमेंट के, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 होते ही ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। अब कहानी ये सब, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितनी इशूड कैपिटल थी उस उतनी ही फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो सबसे पहले हम इशूड की बात कर ले रहे हैं सर, यहाँ ₹10 से लिखेंगे या 15 से, बेटा शेयर कैपिटल हमेशा ₹10 आएगा, हमेशा हमेशा, मतलब जितनी भी उसकी फेस वैल्यू होगी, जो भी ये वाला प्राइस होगा, 10 होगा, 100 होगा, 20 होगा, ₹1 होगा, वही वाला आएगा। तो इशूड शेयर कैपिटल में लिखेंगे हम अगेन 1,00,000 कितने 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो यहाँ लिखेंगे ₹5,00,000, लिखेंगे ₹5,00,000, ठीक है। अब बात यह सर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो आप क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यही तो लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल आपको लिखना चाहिए था ये, बट लिखेंगे यही, बट जिन्होंने द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरा सही है, एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। अब बात समझना, हमने शेयर कितने बेचे थे मार्केट में, 50,000, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब किसी ने ना कम मांगे ना ज्यादा मांगे, ज्यादा मांगते तो हम दे नहीं पाते, कम मांगते तो हम कम ही देते, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों ने, सारे पब्लिक ने जो क्या किया, सारे लोगों ने तो पैसे दे दिए 50 के 50 ने, बट 500 ने नहीं दिए सर, जब सारे ने दे दिए तो 500 कैसे रह गए, बोल रहे हैं कि सबने दिए बस इन 500 को छोड़कर। इसका मतलब ये है जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं आपके वो हैं सिर्फ 49,500। सर ये कैसे पता लगाया आपने, देखो तो टोटल शेयर बेटा कितने थे 50,000, 500 शेयर तो दे ही नहीं रहे, पैसा मना कर रहे हैं, तो शेयर्स कितनों ने पैसा दिया पूरा 49,500, तो 49,500 शेयर, 49,500 शेयर्स ने पूरा पैसा दिया, दैट इज 4,95,000, इसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब एक जो कैपिटल थी जो मैंने लास्ट में आपको समझा था कॉल्ड अप और पेड अप वाली, यहाँ कॉल्ड अप पूरे हुए हैं, सबसे सारे पैसे लिए, बट एक ने कुछ पैसे नहीं दिए हैं, दैट इज सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली पेड अप, कौन से शेयर, 500, भाई टोटल 50,000 शेयर्स थे, 49,500 ने तो पूरा पैसा दिया, ये बोला सब ने दिया बस इन 500 को छोड़कर, बलराम है कोई, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका नाम ही अलग से रख दिया जाता है, जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए सर, तो कितने दिए उन्होंने, इनसे हमने मांगे 500 शेयर्स एट द रेट 10, मांगेंगे पूरे बेटा इनसे ₹5,000 सर, 15 नहीं बेटा, नहीं 15 नहीं, शेयर कैपिटल चल रहा है, ₹5 अलग से प्रीमियम के खाते में पहुंच गए जो यहाँ आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, जब आगे जाएंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तब समझाऊंगा, या सिर्फ ₹10 की बात चली है सर, ₹5 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, हाँ या तो कंफ्यूज करने के लिए मान लो, या जो बैलेंस आप निकालना है इसके लिए मान लो, बाकी कोई रोल नहीं है उसका प्रीमियम का, अभी कोई रोल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके में ये लिखा है प्रिपेयर द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, मतलब उन्होंने बोला ही नहीं है कि आप हमें वो बनाकर दो कंप्लीट शेयर होल्डर फंड वाला, लेस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, वो कितना होगा, कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा, वो सर 500 शेयर पर जो भी पैसा नहीं दिया उन्होंने, तो कितना नहीं दिया उन्होंने सर, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, जो कि कितने रुपए की थी, हमने अभी भी कैलकुलेट कर दी, ₹5 की सर, ये भी करना पड़ेगा, हाँ साहब बहुत छोटा सा तो काम ही है, तो उन्होंने ₹2,500 नहीं दिए, 5,000 हमने मांगे, 500 एट द सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली बेटा, पूरे पैसे नहीं दे पाए, उन पे पैसे नहीं थे, तो इस तरीके से आ जाएगा ये, तो साहब एक ये पैसा आया और एक ये पैसा आया, 4,95,000 आया और 2,500 आया, तो यार लिख देंगे 4,97,500 रुपीज़। तो प्रेजेंट किस तरीके से किया, अलग अलग करके टुकड़ों में, भाई किन ने पूरे पैसे दिए ये रे, और जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए वो ये रे, इनसे भी पैसे लेने बकाया, दैट इज कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया, वो पैसा जो हमने मांगा तो सही, कॉल तो किया बट एरियर हो गया, एरियर मतलब उन्होंने बकाया रख लिया, जैसे एरियर आपने पढ़ा होगा सब्सक्रिप्शन वाले चैप्टर में एनपीओ में, जिन्होंने पढ़ा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद रख लो, एरियर्स मींस बकाया, एरियर्स मींस बकाया, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं और एरियर्स बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर नाम,
यहाँ तक आओगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कुछ भी कैसा भी हल्का फुल्का जो भी नहीं समझ में आया हो प्लीज़ बताना कॉन्सेप्ट में से। इसमें से कॉन्सेप्ट नंबर 2 ज़बरदस्त बन रहा है दमदार तरीके से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।